नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कोइनेक्स से पैसे सेंड करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आपने कोइनेक्स पे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी हो और आप उसको बेच के अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में चाहते हो, तो आज के इस वीडियो को देख के आप ये सब कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने कोइनेक्स अकाउंट में लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैलेंसेस टैब दिखेगी, इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे कॉइन इन वॉलेट, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने जो क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है आपको उसको सेल करना होगा। यहाँ पे ध्यान दें, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल की हुई या कुछ पैसे ही आप विड्रॉ करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि सेल कैसे करनी है। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे सेल करनी है और कैसे पैसे बैंक में लेने हैं, तो इसलिए मैं सारा यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिपल पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं इनको बेच के अपने अकाउंट में पैसे चाहता हूँ, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप जब बाय करते हो तो आपको पता होगा आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करते हो। इसी तरह जब आपने सेल करने है तो ये वाला दूसरा सेक्शन है जो सेल XRP, इसको यूज़ करना था आपने। यहाँ पे XRP बैलेंस शो होता है आपका। यहाँ पे XRP वॉल्यूम है आपने एंटर करना है कि कितने रिपल आप बेचना चाहते हो, जैसे जितने भी आपके पास हैं वो सेल करना चाहते हो। जैसे अभी मेरे पास 951 है तो मैं इनको सेल करूँगा। तो ये जैसे मैं यहाँ पे मैंने पूरा अमाउंट एंटर कर दिया जितने मेरे पास रिपल हैं। अगर आप थोड़े बेचना चाहते हो आप 100 भी बेच सकते हो, जितने चाहें आप उतने बेच सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि आपको इतने पैसे मिलेंगे सेल करने। 100 रिपल अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे 4099 रुपीज़ मिलेंगे सेल करने के लिए। मुझे यहाँ सेल पे क्लिक करना है। अभी सिर्फ मुझे कंफर्म पे क्लिक करना है और मेरे रिपल सेल हो जाएंगे। और सेल करने के कुछ ही देर बाद आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। जैसे मैंने 100 सेल किए तो मुझे 4099 रुपीज़ आने थे मेरे अकाउंट में, वो डिपॉजिट हो जाएंगे, कोइनेक्स अकाउंट में होंगे। ऐसे ही अगर आपके पास कोई और बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, एथीरियम पड़े, आप उनको भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करके सेल करोगे। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं आपने बैलेंसेस टैब पे फिर से क्लिक करना है और इस बार आपने INR वॉलेट, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे INR वॉलेट में आपके टोटल पैसे आ जाएंगे। जैसे अभी मेरे अकाउंट में 3100 रुपये पड़े हुए हैं, तो अभी इनको मैं अपने बैंक अकाउंट में सेंड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ विदड्रॉ, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है विदड्रॉ, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अमाउंट, जैसे मेरे अकाउंट में 3100 पड़े हुए हैं तो मैं उनमें से जितने चाहूँ विड्रॉ कर सकता हूँ। 1000 मिनिमम 1000 रुपये विड्रॉ होते हैं, इससे कम विड्रॉ नहीं होंगे। मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन में आप 5 लाख तक का कर सकते हो, ये लिमिट चेंज होती रहती है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कोइनेक्स की वेबसाइट पर आके। तो इस टाइम जो लिमिट है वो मिनिमम 1000 रुपये की है। तो यहाँ पर मैं विड्रॉ करने के लिए अमाउंट एंटर करता हूँ, मैं सारे विड्रॉ कर देता हूँ। 3100 रुपये मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे विड्रॉ करने हैं, जितने आप चाहें उतने विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 2000 चाहते हो तो 2000 विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 1000 करने होंगे। यहाँ रिमार्क फील्ड ऑप्शनल फील्ड होती है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ एंटर कर लें। यहाँ पे जैसे टू माई बैंक अकाउंट, यहाँ पे ये देखिए विड्रॉ विल बी प्रोसेस इन 2 to 4 बैंक वर्किंग डेज, 2 से 4 दिन में आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे एक ध्यान रखें, वर्किंग डेज लिखा हुआ है, तो जिस दिन बैंक में छुट्टी होगी वो दिन काउंट नहीं होगा आपका। तो अभी सेल करने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर डॉट डाली थी मैंने, डिलीट। नेक्स्ट पे अभी मैं क्लिक करता हूँ फिर से। अभी वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा मुझे, अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करके जो OTP वहाँ पे है मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे मैंने OTP एंटर कर दिया। अभी मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। दैट इज इट, विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिटेड। अभी हमने सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिए अपने पैसे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि 2 से 4 दिन में पैसे ट्रांसफर होंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो अभी 2 या 4 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे जो मैंने विड्रॉ किए हैं। ऐसे ही इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप भी अपने कोइनेक्स अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।